सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण आज धर्म नगरी उज्जैन में भी देखा गया। यहाँ ग्रहण काल का समय सुबह 10:10 से शुरू हुआ, 11:52 पर मध्य और दोपहर 1:42 पर मोक्ष है। कोरोना के कारण शासकीय जीवाजी वैद्यशाला में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, लेकिन यहाँ पर खगोल वैज्ञानिक व वैद्यशाला के स्टाफ ने सोलर फिल्टर चश्मा के द्वारा ग्रहण की स्थिति देखी। यूं तो देश में ग्रहण 98.6% देखा गया, परंतु उज्जैन में यह अधिकतम 74.3% देखा गया। आज दो महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाएं हैं, एक तो सूर्य ग्रहण भी है और दूसरा जीरो शैडो डे भी है। सूर्य ग्रहण की अगर बात करें तो कंकण आकृति सूर्य ग्रहण है। कंकण आकृति सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर की स्थिति में होता है, जिस कारण सूर्य को पूरा पूरा नहीं ढक पाता। सूर्य के चारों ओर एक कंगन बलय या फायरिंग जैसी आकृति दिखाई देती है। इस स्थिति में अभी जो 98.6% सूर्य ढकने की स्थिति रही है, जो भारत के उत्तर वाले हिस्से में जिसमें देहरादून, चमोली, सिरसा, संबलगढ़ वगैरह यहाँ देखा गया है। उज्जैन की अगर बात करें तो उज्जैन में 10:10 पर ग्रहण का प्रारंभ हो गया था। 11:52 पर 74.3% सूर्य ढका हुआ हमको दृष्टिगोचर हुआ और 1:42 पर इसकी मोक्ष की स्थिति है। अगर हम बात करें जीरो शैडो डे की, तो हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और वो 23.5 degrees झुकी हुई है, जिसके कारण सूर्य हमको कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। इस वर्ष 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है। कर्क रेखा की स्थिति 23:26:11.9 है और आज 21 जून को सूर्य की क्रांति भी 23:26:11 है। इस कारण ठीक 12:28 पर परछाई शून्य हो जाएगी। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।